सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रवीण स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टीवी एक्ट्रेस एंड खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की विनर करिश्मा तन्ना की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, साथ ही उनकी बायोग्राफी के बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 दिसंबर 1983, जी हाँ दोस्तों 21 दिसंबर 1983 को महाराष्ट्र के मुंबई में करिश्मा तन्ना का जन्म हुआ और इनकी एज दिसंबर 2019 के अनुसार 36 ईयर्स है। करिश्मा का निक नेम कारू है, उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली इसी नाम से बुलाते हैं। हालांकि दोस्तों करिश्मा तन्ना का बचपन एक गुजराती परिवार में बीता। वह अपनी माँ के बहुत करीब है, क्योंकि उनके पिता की डेथ अक्टूबर 2012 में हो गई थी। उनकी माँ का नाम जस्मिन तन्ना है और उनकी एक छोटी सिस्टर भी है, उनका नाम दृश्मा कदम है। दोस्तों करिश्मा तन्ना प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, मॉडल एंड होस्ट है। इन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन मुंबई से की और अपनी कॉलेज एजुकेशन सिडहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से की है। दोस्तों करिश्मा तन्ना ने हाल ही में अपना ड्रीम पूरा किया है। जी हाँ, करिश्मा तन्ना खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की विनर बनी है और खिताब अपने नाम किया है, जो कि फर्स्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी में कोई लड़की जीती है। ये ड्रीम था उनका भी और रोहित शेट्टी जो कि डायरेक्टर एंड खतरों के खिलाड़ी के होस्ट है, उनका एक ड्रीम था कि कोई लड़की जीते और वो सपना करिश्मा तन्ना ने पूरा किया। इस जीत पर करिश्मा तन्ना को 20 लाख का चेक और मारुति स्विफ्ट डिजायर कार साथ ही ट्रॉफी से नवाजा गया। अपनी सक्सेस पर उन्होंने अपनी मां की दुआओं को श्रेय दिया है। अगर दोस्तों करिश्मा तन्ना के अफेयर के बारे में बात करें तो करिश्मा तन्ना ने 2014 में उपेंद्र पटेल को डेट करना शुरू किया। वो पहली बार बिग बॉस के घर में मिले और कुछ महीनों बाद इन्होंने सगाई की। अचानक किसी कारण दोनों में अनबन हो गई और 2016 में करिश्मा तन्ना व उपेंद्र पटेल का ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग हो गए। बाद में करिश्मा तन्ना ने अपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया। अब दोस्तों करिश्मा तन्ना के टीवी सीरियल डेब्यूट के बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने टीवी पर शुरुआत साल 2000 में क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीरियल से की, जिसमें इंदु का किरदार निभाया जो काफ़ी पसंद किया गया दर्शकों द्वारा। दोस्तों इस सीरियल में भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मुख्य किरदार में थी। इसके बाद 2002 में ड्रामा शो कहीं तो मिलेंगे, उसके बाद 2003 में कोई दिल में है सीरियल जिसमें फर्स्ट टाइम फीमेल लीड रोल प्ले किया, कृतिका का किरदार निभाया था। इसके बाद लगातार टीवी सीरियल में काम करती रही। करिश्मा तन्ना ने पॉपुलर कंट्रोवर्शियल कलर्स टीवी शो बिग बॉस 8 में प्रतियोगी के रूप में बिग बॉस के घर पर पूरे 4 महीने बिताए और करिश्मा तन्ना फाइनलिस्ट और रनर अप बन गई थी। इसके बाद नच बलिए और दोस्तों करिश्मा तन्ना ने 2018 में नागिन 3 में नागरानी रूई का किरदार निभाया जो कि काफ़ी पसंद किया गया। ऐसे ही लगातार शो में काम करती रही। दोस्तों करिश्मा तन्ना के सभी टीवी सीरियल के बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब दोस्तों हम एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के फिल्म डेब्यूट के बारे में जान लेते हैं। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बॉलीवुड फिल्म डेब्यूट दिसंबर 2005 में दोस्ती फ्रेंड्स फॉर एवर फिल्म से किया। इसमें नंदिनी थप्पर का रोल निभाया था। यह फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ की कमाई की। इसी फिल्म में अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर ने मेन रोल प्ले किया था। इसके बाद सेकंड फिल्म कन्नड़ भाषा में की, जिसका नाम आई एम सॉरी मैथी बन्नी प्रीतिसोना था। जी हाँ, जो जून 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें करिश्मा ने मेन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। दोस्तों इसके बाद करिश्मा तन्ना ने अपनी थर्ड फिल्म सितंबर 2013 में 2004 की मस्ती फिल्म के सीक्वल बॉलीवुड सेक्स कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम किया, जिसमें उन्ती का किरदार निभाया। ग्रैंड मस्ती फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 151 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद 2014 में गोलू और पप्पू फिल्म और 2018 में संजू फिल्म दोनों में साइड रोल प्ले किया। दोस्तों अब तक करिश्मा ने बहुत कम फिल्मों में काम किया है। इनकी अगली फिल्म टीना और लोलो है। इस फिल्म को 2013 में साइन किया था। इसमें सनी लियोनी भी नजर आएगी।
ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई है, 2021 में रिलीज होने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस करिश्मा ने एक वेब सीरीज 2018 में कल ले तू भी मोहब्बत में भी काम किया है। दोस्तों एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने कई टीवी एडवर्टाइज में भी काम किया है जिसमें स्टेफ्री, लाइफ बॉय और निर्मा शामिल है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं और किन अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ है। तो दोस्तों एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना को फर्स्ट टाइम साल 2003 में क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीरियल के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेट किया गया, बट ये अवार्ड करिश्मा नहीं जीत पाई। फिर 2008 में एक लड़की अनजानी सी सीरियल के लिए स्टार गोल्ड्स अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन ए नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट हुई, बट ये अवार्ड भी नहीं जीत पाई। फिर इसके बाद 2016 में MTV लव स्कूल शो के लिए जी गोल्ड अवार्ड्स में बेस्ट एंकर के लिए नॉमिनेट हुई, बट ये भी दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाई। फाइनली 2018 में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने जी गोल्ड अवार्ड्स में मोस्ट फिट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीता। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इन्होंने एक अवार्ड जीत लिया। दोस्तों हाल ही 2020 में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने कलर्स टीवी के खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का खिताब भी अपने नाम किया है। दोस्तों एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के सभी टीवी सीरियल और रियलिटी शो की लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हो। दोस्तों करिश्मा तन्ना एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती है। करिश्मा का ये ड्रीम है, उम्मीद है ये ड्रीम उनका जल्द पूरा हो। तो दोस्तों ये थी करिश्मा तन्ना की बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। चलिए करिश्मा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, आप बहुत आगे तक जाओ। इसी विश के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।